आदाब नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा ऑनलाइन यूट्यूब चैनल। जी हाँ, आज की न्यूज़ में जैसे कि दीपावली के शुभ अवसर पर लोग अपनी अपने दुकान मकानों को सजाने में लगे हैं, वहीं पर DNS 24 के जो चीफ एडिटर हैं नौशाद अंसारी साहब, उन्होंने ये सामने आप देख रहे हैं मैरिज हॉल, यहाँ पर एक उर्दू डे का प्रोग्राम मुनक्किद किया। देखिए इस प्रोग्राम की झलकियाँ हमारे संवाददाता द्वारा यहाँ पर आप देखेंगे पूरा प्रोग्राम। जी हाँ, और इस प्रोग्राम में ख़ास तौर से उर्दू डे पर काफ़ी लोगों ने इस पर जो है अपनी चर्चाएँ की, अपने विचार रखें। देखें ये प्रोग्राम हमारे संवाददाता द्वारा। मैं उनका भी आपने अपनी टीम की तरफ से शुक्रिया अदा करता हूँ। खुदा हाफिज़। मेरे पास जितने ये पर्चे हैं उसमें मेरे अपने लिखाई हुई है, या मेरी अपनी तो राइटिंग ये है। मैं बात करता हूँ, कोई दोबारा नहीं है। और जब अंग्रेजी वालों में जाता हूँ तो अंग्रेजी की बात करता हूँ, वहाँ पे मैं उर्दू या हिंदी ही बोलता, वहाँ से एक बात होती है। तो मैं आपकी मैं तो उर्दू में गायक हूँ और यहाँ मैं उर्दू में कि मोहम्मद उस्मान साहब यहाँ तशरीफ लाए हैं, मैं उनका इस्तकबाल करता हूँ। इसे आज भारत के एक राज्य में उर्दू प्रशासनिक भाषा है, चार राज्यों में दूसरी राजभाषा है, जिसमें उत्तर प्रदेश, दिल्ली, तेलंगाना और बिहार, ये चार राज्यों में दूसरी राजभाषा है। और जम्मू एंड कश्मीर के ताल्लुक से जितनी भी बातें हो रही हैं, कि अभी एक साहब कह रहे थे किसी भाषा का भी भाषा जरूर होती है, ये बात हमने खूब अच्छी तरह देखी है कि मजहब के मानने भाषा का मजहब नहीं होता, लेकिन संस्कृतों को जो संस्कृत अभी में नाजिल हुआ है, तो इस एतबार से अगर देखा जाए तो इस तरह उर्दू के ताल्लुक से ये जो प्रोग्राम किया है वाकई। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। जैसे कि हम देखते हैं कि हमें बताया जा रहा है कि उर्दू भाषा जो है उसे मुसलमान, ये सच है कि मुसलमान उसका इस्तेमाल ज्यादा करते हैं, लेकिन ये कहना गलत नहीं होगा कि सही होगा कि भाषा देश की है। जरूरी नहीं कि कोई मुसलमान इसका इस्तेमाल करे, कोई भी कर सकता है। और जैसे कि मैं उर्दू के बारे में आपको बताऊं, ये यहीं पे जन्म की भाषा है और मात्र तीन देशों में ही बोली जाती है, बांग्लादेश, पाकिस्तान और हिंदुस्तान। तो अब से 70 साल पहले ये इसी देश का हिस्सा थे, बाद में इनका बंटवारा हुआ वो अलग बात है, लेकिन 70 से 75 साल पहले इनके तीनों ही देश एक ही थे, एक परिवार था। लेकिन हम जब बात करते हैं उर्दू के बारे में तो कहते के साथ ये तो मुसलमान, कुछ सही बात है कि इसका इस्तेमाल मुसलमान करते हैं, लेकिन मेरा मानना है आपसे सभी लोगों से आज जाना गुजारिश है कि इसका इस्तेमाल सभी लोग करना चाहिए। भाषा तो भाषा होती है, वो किसी जाति विशेष की कैसे हो सकती है। अगर बात करें हिंदी की, जैसे कि मैंने शायद ने कहा कि हिंदी और उर्दू दोनों एक सगी बहने और एक आंगन में खेल रही है, मतलब किसका वर्णन कितना अच्छा करा के दो सगी बहने, ऐसा लगता है हिंदी उर्दू के बारे में कि जैसे दो सगी बहने एक आंगन में खेल रही हो। तो जरूरी है कि उर्दू में बात हो, और ये संस्कृत और फारसी और कुछ चीजों से मिलाकर इस भाषा का बनाया गया है। तो ये इधर समझे कि भाषा जैसे कि लोगों को बताया जाता है, कहा जाता है कि सब मुसलमान इससे, सच है कि मुसलमान इससे ज्यादा मोहब्बत करते हैं, लेकिन और लोगों को भी, चाहे वो किसी भी धर्म को, जाति को, देश के हो, उन लोगों को इसको इस्तेमाल करना चाहिए। अब जैसे देखते हैं कि आज जो इतने प्यारे प्यारे गीत हम सुनते हैं, नगमे हम सुनते हैं, तसव्वुर कीजिए अगर शायद उर्दू ना होती, जो इतनी अच्छी अच्छी शायरों से सुनते हैं, तसव्वुर करिए अगर उर्दू ना होती तो शायद ये जो इतने सारे गीत हैं जो हम सुनते हैं, जिन्हें बहुत सुकून भी मिलता है, इतनी बड़ी फिल्म इंडस्ट्री है, अगर वो उर्दू शायद ना होती तो मुझे लगता है कि आज इतने बेहतर गाने हम नहीं सुन पाते। तो कहना सिर्फ यही है कि उर्दू जैसी नफासत कहा, मोहब्बत जैसी इबादत कहा, उर्दू जैसी नफासत कहा, मोहब्बत जैसी इबादत कहा, रहे कायम अगर ईमान पर मुसलमान तो मुसलमान जैसी ताकत कहा। तो दोस्तों,
अगर मैं बात करता हूँ ईमान पर कायम रहने वाली, तो ये नहीं है अभी एक तहरीक चलती हो सके साथ किसी को बचाना है। अगर आप इंसान हो और आपके अंदर इंसानियत जिंदा ना हो तो सोचिए कि आप जिंदा नहीं है। आप किसी भी जाति विशेष से किसी भी धर्म से रहते हो, अगर आपके अंदर इंसानियत नहीं है, उसका तसव्वुर नहीं है, यकीन मानिए इंसान के भेष में आप कुछ भी हो सकते हैं, एक जानवर भी हो सकते हैं, क्योंकि इंसान तो मोहब्बत कर रहा है, इंसानियत जो है वो मोहब्बत का तकाजा है। तो सभी से यही कहना है कि आप सब जो है उर्दू को पढ़िए, उर्दू को लिखिए, क्योंकि इसमें खसूसियत है। अगर एक लेडी है उससे कहेंगे एक हत्यारन तो कितना गुस्सा आएगा उसे, लेकिन कहेगा बहुत कातिल लग रही हो ना। तो उर्दू में एक ऐसी नफासत है, ऐसी मोहब्बत है जो चीजों को बेहतर कर सकती है। हम जब शेर और शायरी में भी देखते हैं कि अगर उर्दू ना हो तो कितने बेहतर बेहतर शेर हमारे सामने हम देख रहे हैं, आते हैं तो सुनकर देख बहुत खुशी मिलती है। तो उर्दू को पढ़िए अपने बच्चों को। अरे ऐसा नहीं कि सरकार, बहुत सारे सरकारी स्कूल हैं जिनमें उर्दू को पढ़ाया जाता, उर्दू एक सब्जेक्ट भी है, तो बेहतर तरीके से। तो दोस्तों बात भी ये चलिए, ये कभी मत मानिए कि ये भाषा सिर्फ एक जाति विशेष की है। और दूसरी बात, अब सभी जो लोग यहाँ पहुंचे हैं उनका बहुत बहुत स्वागत करते हैं, बहुत बहुत उनका खैर मकदम करते हैं कि आप हमारे बुलावे पे यहाँ पे पहुंचे हैं। तो जिले तंजीम है, हम जिले मैं डीएसपी बोर्ड का डिजिटल फाउंडर हूँ। और दोस्तों कोशिश यही है कि इंसानियत को कैसे बचाया जाए, क्योंकि अच्छे बुरे लोग तो सभी धर्म में होते हैं, चाहे किसी भी धर्म में हो अच्छे लोग बुरे लोग होते हैं, और जो अच्छा हो जिसकी इंसानियत जो है वो जिंदा है। सलाम। हमने भी जाके देखा है कि स्कूल की जो टीचर है ना बहुत काम है, वहां पर हमने देखा जाके हमने पूछा यहाँ पर स्कूल में उर्दू की टीचर है, तो बोले कि उर्दू में एक ही टीचर है वहां पर, तो क्योंकि लोगों को इतना आते हुए हैं, लोग चाहते ही है कि सीखे और हमारे बच्चे जो है उस उर्दू भाषा को अच्छे से सीखे। अगर आप सभी को खुशूसी मेहमानों का तहे दिल से इस्तकबाल करती हूँ, मैं उम्मीद करती हूँ हमारे सब भाई और बच्चिया उर्दू ज्यादा से ज्यादा सीखें, और इस उर्दू जैसे अल्फाज, मैं इसी बात पे एक शेर सुनाना चाहूंगी, उर्दू जैसे अल्फाज कहाँ मोहब्बत, जैसी इबादत कहाँ, है रहे इमाम पर कायम वो मुसलमान जैसी और इबादत कहाँ। इसी के साथ मैं आपको पहुंचाए और समाज की बुराइयों के खिलाफ जितनी मजबूती से हो सके अपने कैमरे को दिखाने का काम करें, और आप निरंतर करते हैं। इसके लिए ये बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का एक छोटा सा सिपाही आपको दिल से सैल्यूट करता है। और सामने बैठे हुए हमारे नौजवान साथियों, मेरी माँ बहनों और प्यारे बच्चों, बड़ा गर्व होता है और अफसोस भी होता है कि क्या ये वही हिंदुस्तान है वो गुर्जे और दिल पर क्या ज्यादा असर करता है। इसलिए जो है और उसके लिए ये दबाव अभी हमने ट्रायल करवा लिया है, सारा चुनाव हमारे सेंटर के अंदर किया का है, उसमें रात आई है, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, तो गुर्जे पर और कहीं और युवा है बहुत बेहतर काम करते हैं, हम उनका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। वक्त 2 मिनट का ही है और मैं जो उर्दू से मोहब्बत करते हैं उनसे मेरी एक ही गुजारिश है बार बार कि अपने बच्चों को आप उर्दू का सब्जेक्ट जरूर स्कूल में दिलवाएं, क्योंकि स्कूल वालों का ये कहना है कि बच्चे उर्दू के आते ही नहीं हैं। जब उर्दू के बच्चे उर्दू दिवस पर जो सम्मान समारोह का कार्यक्रम रखा गया है, सबसे पहले तो मैं जो शमशाद अली मसूदी जी हैं, आल
और जितने शेर शायरी हैं बहुत सारी, मैं पहले एक भरत देख रहा था उसमें वो भी उर्दू में थी, मतलब बहुत सारी चीज़ें अगर उर्दू से शुरू होती है तो उर्दू भी एक मातृभाषा बनाई जाए जैसे हिंदी मातृभाषा है, तो उससे क्या होगा कि सभी को बराबरी का हक मिलेगा, बराबरी का अधिकार मिलेगा। परंतु जो मंच पे हमारे मेरे साथी काउंसलर हैं, सभी सम्मानित जनाब हैं, उन सबको मैं सलाम करता हूँ, सबको नमस्कार करता हूँ, सबको जय भीम करता हूँ। उर्दू के नगमे इंसान के जहनी सेहत के लिए बहुत फायदेमंद है। आमेर का किला जहां है वहां नगर पालिका परिषद ने शुरू किया था और उसका नाम रखा था मैंने उर्दू विकास गोष्ठी। उसका असर यह हुआ कि राजस्थान पत्रिका सबसे बड़ा अखबार वहां का था, जयपुर का अब भी है, सबसे बड़ा अखबार वही वहां का हिंदी का पत्रिका ने फिर संपादकीय लिखा एडिटोरियल, राजस्थान उर्दू अकेडमी का बजट बढ़ा दिया दोगुना कर। एक जमाना था दिल्ली में जब कुंवर महेंद्र सिंह बेदी भारत को जो है भारत बनाने के लिए जोड़ने के लिए एक हिंदुस्तानी जबान आई, उसका नाम था हिंदी और उर्दू, हिंदू और उर्दू नहीं, दोनों के लिपि का अंतर खाली और इसी लिपि की वजह से ये दोनों भाई प्रशेट हैं। लेकिन डॉक्टर मोहम्मद अर्जुन साहब का शुरुआत करेंगे। डॉक्टर मोहम्मद अर्जुन साहब और मोहम्मद डॉक्टर मोहम्मद अर्शद मोहम्मद अर्शद मौलाना अब्दुल रशीद साहब हैं। करेंगे तो फिर हो जाएगा, सही बात है। इनका भाई साहब हाँ सर सर का खींचेंगे, आ जाओ फिर आप ही रहो, ठीक है बहुत बढ़िया। हो गया अलग से रेडियो पा लीजिए। हमारे बीच में सब खान बहादुर साहब भी बैठे हैं, सबसे इस्तेमाल इधर इधर हो गया, अभी रह गया और कोई रह गया भाई इसका रह गया। हेलो अरे हट जाओ, चार संपर्क का नाम नाश्ते कर रहे हो, आ जाओ आ जाओ।
शमशाद मसूदी खान चले जा रहे हैं, हमारे प्यार मोहब्बत कम थोड़ी है। अगले गाड़ी का पेट्रोल फूक ले गए बेचारे। चलो अभी रोक इमरान भाई आओ, हमारा तो ये है भाई, रोज चाहिए भाई। मेरी गुजारिश है जो लोग इस सम्मान्य प्रोग्राम में आए हैं, क्योंकि जो मेहमान खुसूसी हैं उनको जाना है, और जो हमारे काउंसलर साहिबान हैं उनकी मीटिंग में है, तो आप जल्दी जल्दी इस्तकबाल प्रोग्राम जल्दी हो गया होगा। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत 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 शुक्रिया। भाई ये प्रोग्राम जो सम्मानित प्रोग्राम है, इसको मुलाकाती कर लें। हमारे जो आज मेहमान खुशी हैं उनको जाना है, तो मेरे इंतजार है कि आप लोग अपनी अपनी जगह ले लें, थोड़ा जल्दी जल्दी करें। आपकी जो टीम है वो बहुत जल्द आइए सब आइए। हो गया सलाह साइड में हमारे चैनल में आपका स्वागत है। कृपया लाइक व सब्सक्राइब।